और मुझे चुनौती देने की जहाँ तक बात करी उसको पता नहीं मेरे को खुद की पार्टी है, वो तो बीजेपी का दामन थामा है। अगर खुद की पार्टी न तो उसके दादाजी बना पाए न उनका परिवार कोई बना पाए, हमेशा पार्टी बदलने का जो रिकॉर्ड है उनके दादाजी के नाम रहा। उनके दादाजी ने देश की कोई पार्टी नहीं छोड़ी जिसमें वो नहीं गए, और सारा उसका परिवार था वो पार्टी बदलने में माहिर। जिस तरह कपड़े बदलता व्यक्ति तो पार्टियां बदलते रहे, और इसी का परिणाम है मेरी वजह से पार्टी नहीं बदली। ईडी के रडार पे इंडिया बुल्स, जिसकी वो डायरेक्टर इंडिया बुल्स की, जिसमें उसकी सास पति देवर सारे, और लंबा दबाव लंबे समय से ईडी और सीबीआई के रडार पे थे, और मजबूरी के अंदर उसने पार्टी ज्वाइन की। मेरा तो खाली नाम वो ले रही है, वो ये नहीं बता रही है जब 2009 में उसको सांसद बनाया था तब सबसे पहले आशीर्वाद किसके पास लेके गई थी। मैं बीजेपी का विधायक था, विधायक होते हुए मेरी इच्छा से इसको टिकट भी दिलाया, उसमें राजमारा झगड़ा था। टिकट दिलाने के बाद पहली बार पैर छुका आशीर्वाद किसके लिए, वो भी आप पूछना उसको कि पहले एमपी किसने बनाया, वो भी बता दे। हराया तो मैंने था, उन्होंने बताया कि बनाया किसने था। जब मैंने बनाया तभी तो सारी दुकानदारी चल गई आगे, अगर एमपी नहीं बनती दुकान नहीं चलती, दुकान में नहीं चलाई इसी राज्य के अंदर। तो इन बातों का कुछ भी नहीं पता, मुझे चुनौती कौन दे सकता। मैं तो खुद चुनौतियां दे रहा हूँ बड़े बड़े लोगों को, मोदी अमित शाह को चुनौती दे रहा हूँ, गहलोत को चुनौती दे रहा, उसको बैठक आ रहा है, वो सुंदरा को राजस्थान से बाहर भेज दिया, अभी चुनाव आ रहा है ना, तो 2-3 महीने की तो बात है। चुनौती दे रही पता ही लगेगा कहाँ गई और कितने वोटों से आ रही, जितने वोट से पहले आ रही है उससे दुगुनों से कम वोटों से वापस नहीं आ रही। वहां से एमएलए का लड़ा है, से एमपी का लड़ा है। मैं तो एक जीरो से शुरुआत करी, किसान का बेटा हूँ, उसके बाद तो भाजपा का बहुत बड़ा दल है। पहले कांग्रेस चुनाव लड़ती थी 4 लाख वोट से कांग्रेस की शुरुआत होती थी और बीजेपी की 3 लाख वोट से शुरुआत होती है, और मेरी गिनती होती है जीरो से। लेकिन फिर भी मैं उसकी चुनौती स्वीकार करूंगा और उसको फिर एक बार उसकी हैट्रिक वापस में बढ़ाऊंगा नागौर का। प्रियाज सिंह मेघवाल आइकन है राजस्थान के नौजवानों की, और विशेषकर जो हमारा पिछड़ा तबका राजस्थान के अंदर शोषित तबका है वो इनको एक आइकन के रूप में देखता है। इन्होंने जो विश्व बॉडी बिल्डिंग महिला प्रतियोगिता जीते थे राजस्थान के लिए सम्मान की बात है, इनके समाज के साथ साथ इन्होंने राजस्थान को गौरवान्वित किया, और ये मेरे लिए खुशी की बात है। एक सेलिब्रिटी आइकन जो युवाओं की आइकन है, उसने आरएलपी पार्टी पे भरोसा किया, ये पार्टी पिछड़ों की दलितों की पार्टी है, ये आदिवासियों से लेकर तमाम सर्व समाज ओबीसी वर्ग से लेकर सारे समाजों की पैरोकारी राजस्थान के अंदर करती है। और मेरी जो 3 विधायक उनसे 2 विधायक है वो दलित समुदाय से आते हैं, एक बावरी समाज से इंद्रान जी आती है, मेघवाल समाज से मेरे प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय तक हैं उपराज जी। और हमें खुशी की बात है कि हमारा कारवां और बढ़ा, और प्रियाज सिंह के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और नौजवानों को एक रास्ता मिलेगा, और नौजवानों में संदेश जाएगा कि आरएलपी ही सच्ची हितैषी पार्टी है। जब आज के इस दौर में लोग कांग्रेस बीजेपी में भाग रहे हैं, एक दूसरे कांग्रेस बीजेपी में आ रहा है, बीजेपी से कांग्रेस में भाग रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, सुबह किसी पार्टी को अच्छा बताते हैं शाम को गलत बताते हैं, तो एक संदेश नौजवानों में जाएगा और 70-80 लाख वोटरों में संदेश जाएगा जो पहली बार वोट मतदान करेंगे, और वो राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। इनसे हमारी पार्टी को और मजबूती मिलेगी, बड़ी जिम्मेदारी आने वाले टाइम में हम इनको देंगे जल्दी।